ज वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हमेशा हर वर्ल्ड कप के बाद हमने देखी होते हुए आप किसी भी वर्ल्ड कप को उठा लो आपको एक चीज बहुत कॉमन मिलेगी द ट्रांसफर्स आफ्टर दैट वर्ल्ड कप बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि आपको वर्ल्ड कप के बाद कई प्लेयर्स ऐसे मिलते हैं ना जो कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स खेलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस रखते हैं एंड जिनकी वजह से टीम्स का ध्यान उन पर पड़ता है एंड दफेज साइन दम तो ये काफ़ी बार हुआ है वर्ल्ड कप छोड़ दो तुम कोई भी मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट ले लो बीट कोप अमेरिका बीट द यूरोज उन सब के बाद एक मेजर ट्रांसफर होना ही होना है बिकॉज देर आर लॉर्ड ऑफ प्लेयर्स जो कि उन मेजर टूर्नामेंट्स में निकल के आते हैं तो जैसे कि यू ऑल रिमेंबर इस बार का फीफा वर्ल्ड कप में काफ़ी प्लेयर्स थे जो कि बड़े ही नेक्स्ट लेवल पे खेले हैं आन काफी सारी टीम्स ऐसी हैं जिनकी आंखें ऑलरेडी उन पर गड़ी हुई हैं बट थोड़ा सा अगर हम रिवाइंड करें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो 1994 की अगर बात किया जाए तो एक प्लेयर जॉर्ज हागी ऑब्वियसली रोमानिया के जो प्लेयर थे ही हैड अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस और जिनकी वजह से इनका ट्रांसफर हुआ फ्रॉम ब्रिसिया टू बार्सिलोना तो सोचो कि कितने सालों से ये चीज़ चला आ रहा है दैट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि ये वर्ल्ड कप ना हुआ करते थे समर्स में अब समर विंडो में साइनिंग करना इन बड़े प्लेयर्स की ज़्यादा फीजिबल होता था, था क्योंकि आप बड़ा कैश स्प्लैश कर सकते थे बट अभी ये जो वर्ल्ड कप हुआ है 2022 का ये विंटर में हुआ है अब स्टिल देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो कि बड़े ही बेहतरीन निकल के आए हैं इनके मार्केट वैल्यू भी काफ़ी आसमान छू रही है बट नेसेसिटी है कुछ टीमों को जो कि इन पर्टिकुलर प्लेयर्स को साइन करके उन अपनी नेसेसिटी को किल कर सकते हैं बट क्या इतनी बड़ी वेजेस इतनी बड़े ट्रांसफर वैल्यूज क्लब्स अभी करेंटली मिड सीजन में दे पाएंगे तो पहले के टाइम पे तो ऑब्वियसली जब समर्स में होते हैं ट्रांसफर समर्स में होता है वर्ल्ड कप तो टीम्स आर लुकिंग कि भाई वर्ल्ड कप में कौन निकल के आ रहा है आराम को उबरता स्टार्स को हम खरीदते हैं तो 94 में ऑब्वियसली और भी ट्रांसफर हुए थे और जैसे कि मैंने हागी की बात की तो ये जॉन क्रूफ की जो ड्रीम टीम है उनको ज्वाइन किए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक और प्लेयर है जो है काफू जो कि साओ पोलो से रियाल जारागोजा ज्वाइन किए थे एंड काफू के बारे में तो सबको पता है भाई ब्राजील के लेजेंडरी फुल बैक रहे हैं फिर 2002 की अगर बात करोगे तो गिलबर्टो सिल्वा ब्राजील के मिडफील्डर है एंड इंटरेस्टिंग बात पता है क्या ही वॉजेंट उंड टू प्ले गिलबर्टो सिल्वा ओनली प्लेड बिकॉज इनके जो मेन प्लेयर थे Emerson, इनको चोट लगी थी तो फिलिपेस्कुल की जो टीम थी उन्होंने इनको मौका दिया गिलबर्टो सिल्वा को खेलने का एंड देन वर्ल्ड कप टू थाउजेंड टू की परफॉर्मेंस के बाद इनका ट्रांसफर होता है टू तो एथलेटिको मिनेरो से ही वेंट ऑन टू आर्सनल एंड वो वो इनवेंसिबल टीम में इनका बॉल बड़ा हाथ था दो एफ ए कप जीते एक प्रीमी लीग टाइटल भी जीते दो हजार छह की बात करोगे तो उस वर्ल्ड कप में काफी मेजर ट्रांसफर हुए थे उनमें से कुछ है जो कि हमारी आंखों को कैच किया जैसे कोरिन के से ट्रांसफर मैशो का टू वेस्ट हम। वेस्ट हम ने उस पॉइंट ऑफ टाइम से दो हजार दस में काफी हरकतें हुई थी जिस पॉइंट जो मेरा पहला वर्ल्ड कप था जब मैंने फर्स्ट टाइम देखना स्टार्ट किया था फुटबॉल दो में तो दस वाला वर्ल्ड कप पहला था एंड देन कवानी, कवानी उर्बुए के लिए बहुत ही फाट खेले थे इनका ट्रांसफर फ्रॉम पेरमो टू नापुल तो सबको पता है कि कवानी की क्या लेगेसी रही है पीएच के लिए कितना ही फाड़ इन्होंने खेला है एंड देन जब ये आ गए नापोली पे नापोली से फिर इनका ट्रांसफर हुआ है पी तो वी ऑल सॉ की वॉट कवानी टर्न इन टू एंड देन लेटर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एवरीथिंग तो ऑस्कर टाबरिज की टीम उर्गुए को काफी हाई प्लेस फिनिश फोर्थ प्लेस फिरिज दिलाई थी इन्होंने दो के फीफा वर्ल्ड कप में फिर उसके बाद से सामी खदेरा थे जो कि गाट टू रियल मड्रिड ट्रांसफर हुआ जो सी मुरिनो के अंडर वो सामी खदीरा का रूप सबको पता यार, players, है यार ही वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट प्लेयर्स मेरे वन ऑफ द फेवरेट एम्स रहे हैं यार सामी खदीरा भाई जर्मनी के लिए थर्ड प्लेस फ्रिश ली इनकी 144 एंड फोर्टी मिली थी इनको फॉर रियाल मड्रिड तो अगेन एलेक्सिस एलेक्सेस चिली के सुपर जो कि उदनेसे से बार्सलोना गए ओजील वर्ल्ड ब्रमिन से रियाल मड्रिड गए तो ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको बेनिफिट मिला बिकॉज ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप एक और नाम है जो कि मैं ले लू इससे पहले कि लोग मेरे पे खुद है हेमेज रॉयट्री कोलंबिया के वो सुपरस्टार सबको पता है भाई कोलंबिया के भाई बेहतरीन प्लेयर ही स्कोर गोल ऑफ द टूर्नामेंट ऑब्वियसली तो इनका भी ट्रांसफर हुआ ये मोनाको से रियालट जाते हैं बट लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशन बट हाँ इस बार क्या लगता है क्योंकि तुम देख रहे हो इस बार एक्चुअली टीम्स इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि टीम्स ये वर्ल्ड कप मिड सीजन आया हराम को और मिड सीजन ही टीम्स को दिख गया कि भाई उनको प्लेयर्स चाहिए सब चेल्सी को रिक्वायरमेंट है बार्सिलोना को रिक्वायरमेंट है मोडेड को के रिक्वायरमेंट मैनचेस्टर मानचेस्टर को बथेरे रिक्वायरमेंट्स है तो ये सारी टीम्स है ना इनको चाहिए प्लेयर्स एंड इनको ये मिड सीजन रियलाइज हो चुका है दैट दे नीड टू इंप्रूव देयर स्क्वाड अब वर्ल्ड कप की वजह से ये जो प्लेयर्स हैं इनकी वैल्यू बढ़ी है कुछ नए प्लेयर्स निकल के आए हैं तो अब इनको एक लार्जर पूल मिल चुका है जिसमें कि ये छाट सकते हैं अपने प्लेयर्स को तो बट मिड सीजन क्या सेलिंग मतलब मतलब टीम्स नॉर्मल टीम्स अपने स्टार मैन को भेजने के लिए रेडी होगी फॉर एग्जाम्पल एन्जो फर्नांडेस लाइक ही हैज बीन प्लेइंग फॉर बेनफिका हैज बिन रूलिंग वेरी वेल तो क्या मिड सीजन कोई टीम लाइक लिवरपूल पी एच जी एनी वन मड्रिड क्या बीच में इस ट्रांसफर मार्केट में जाके विंटर में खरीद ले इसको क्या बेनिफिका ये होने देगी बाबा मुश्किल लगता है बट हाँ वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि डेफिनेटली आउट फॉर वॉच है वो है एनजो फर्नांडेस जो कि भाई क्या प्लेयर ऑफ दि टूर्नामेंट बने हैं यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप में बाई बिस्टर इन परफॉर्मेंस फॉर्म गाय मेरे ओपिनियन में ही इज एन एट एट तरीके से खेलता है हाइब्रिड ऑफ अ सिक्स और एन एट बट भाई जिस हिसाब की उसने परफॉर्मेंस दी जैसे लानस कलोनी ने उसको मौका दिया खेलने का ना उसके बाद से तुम देखोगे वो डीएम पोजीशन को ओन कर लिए बेसिकली खेलता कौन था उस पोजीशन पे इट वाज पर राइट बट भाई बंदे ने जिस हिसाब का परफॉर्मेंस दिया एन्जो फर्नांडिस ही रूल द फीफा वर्ल्ड कप दे हैबिन लॉट ऑफ ग्रेट परफॉर्मर्स पर्टिकुलरली इन दैट पोजीशन चो का भी नाम मैं यहाँ पे ले लूँ भाई सुफिया नामबाद भी है यहाँ पे बट एक बंदा है जो कि इज ऑलवेज पॉइज फॉर अ बिग मनी मूव फ्रॉम बेनिफिका एज एनजो फर्नांडेस अब कौन सी टीम है हु आर वेरी क्लोज फॉर सिग्नेचर अब बेनफिका ने अपना प्राइस टैग रखा इसका वन ट्वेंटी मिलियन यूरो बिकॉज बाई वर्ल्ड कप में आग लगा दिए तो भाई प्राइस टैग तो इन्फ्लेट हो गया यार, अब 120 बहुत ज्यादा है भाई एनजो के लिए बीइंग 21 इयर्स ऑफ एज लिवरपूल आर वेरी क्लोज लिवरपूल को चाहिए भाई फैबिन्यू का रिप्लेसमेंट हेंडो का रिप्लेसमेंट थियागो का रिप्लेसमेंट हराम को इनके तो प्लेयर्स तो आधे इंजर्ड होते हैं आधे बेंच पे पड़े होते हैं कैटा का रिप्लेसमेंट आई डोट नो वॉज ग लिवरपूल बट देन येस इनकी आंखें गड़ी हैं एनजो पे और भाई मैं बता दूं ऑनेस्टली स्पीकिंग एनजो वुड बी अ वेरी गुड फिट वेरी वेरी गुड फिट फॉर लेवपूल बिकॉज बंदा वर्चुअस है बंदा टैकल साइकिल्स में भाई रुकता नहीं है शर्माता नहीं है एंड जोर्जन क्लॉप एंड लेवोपूल की प्लेइंग स्टाइल यू नो काइंड ऑफ रिफ्लेक्स वो एक गेग प्रेसिंग का सिस्टम वो उसके लिए बहुत फिट होता है एंड अनदर गाय जो कि मेरे ओपिनियन में आई फील इज़ वेरी फिट फॉर लेवोपूल इज जूड बेलिंगम एज वेल जो कि लेवोपूल का ऑलरेडी उसे कनेक्ट चलता है बट जूड बेलिंगम प्रोबेबली थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा बट एक्सपेंसिव तो एनजो भी है बे 120 सौ बीस कम ऑन नाउ एक और रियलिस्टिक ऑप्शन है जो कि लिवरपूल लेवपुल लिंगडेज बंदे से वो है सुफियान आम्रपात आम्रपात भाई मोरक्को के लिए हार्ट इन कोरियर लिटरली मैं कह कह दूँ जिस वजह से मोरको वो फोर्थ प्लेस फिनिश लिए उसमें सुफिया अमरबाद का बहुत बड़ा हाथ था द वे ही वॉज एबल टू शिफ्ट बिटवीन डिफेंस एंड अटैक द स्प्रेडिंग ऑफ द बॉल मतलब जिसपे लोगों की आंखें नहीं है ही इज प्लेंग एट फोनटीना अपना लो की परफॉर्मेंस दिए जा रहा है नोबरी इज बैटिंग एन आई यहां पर आके फीफा वर्ल्ड कप में एट द बिगेस्ट स्टेज हि नॉक्स आउट स्पेन आउट पॉर्चुगल क्रोएशिया के अगेंस दर्ड प्लेस प्रॉब्लिक और एक टीम है जिसको रिक्वायरमेंट है इसकी तो भाई लोग तो. तो अब आई डों की मतलब वट इज क्लॉफ थिंक बहुत ही प्यारा फिट है इनके लिए बिकॉज उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स है गुड माइंड इज वेल कैन स्लॉट बिटवीन डिफेंस इज वेल टू वाई कैन कर्नाटे को वो डिफिनेटली कवर भी देगा तो इज दट माइंडेड एक डिफेंस माइंडेड सी डीम है आई हैव टू सी कि भाई क्या लेवपुल इसको साइन करेगी अब वैल्यू की जहाँ तक बात है इतनी वैल्यू तो नहीं होगी ट्वेंटी से थर्टी मिलियन यूरोज होगी मैक्सिमम सुफिया अमराबाद बट कितने ही प्लेयर्स से लेवपुलेंगे एक एनजो फर्नांडस एक जूड नो कि इन सबको हम साइन कर सकते कि नहीं कर सकते बिकॉज के नेचर में नहीं रहा है साइन करना विल सी वर्ड हैपन अगेन एक मोरक्को की बात हो रही है तो मैं एजीन उन्नाही की भी बात कर लू भाई उनका नंबर एट बाबा जोसे मुरिनो ने तारीफ कर दी भाई तुम्हारी अब क्या चाहिए तुम्हें तो मैं हराम खोर लुइस एंडरी की तुम्हारी तारीफ कर रहा है नेक्स्ट लेवल है भाई उन्नाही बहुत फाड़ मतलब हम जिन प्लेयर्स को जानते हैं लाइक पेदरी हो गावी हो मुसियालो हम जानते हैं भाई वो बेहतरीन प्लेयर्स हैं उनको हम देख रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हुए तो वी आर नॉट शॉक्ड हम हम इन वी आर इन ऑफ हम ओवर वेम डे भाई यार क्या खेल गया भाई मुसियाला कब सब खेल गया बट देर आर सर्टन प्लेयर्स जिनको हम जानते रहिए हैं एंड वेन दे स्टेप ऑन द पिच एंड हम जान तो नहीं रहे तो इनका नाम हु इज उन्हना ही मैंने तो सुना ही नहीं इतना एंड देन वैन यू सी दैट गाय प्ले एंड मेक अ बिग बिग डिफरेंस फॉर मुक्को फॉर अर स्मॉल नेशन यार

ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है तो अगर मोरक्को की बात खत्म कर दे किनारे तो वी हैव गॉट लिवाकोविच क्रोएशिया का गोलकीपर 27 साल का डायनमोज जागरब के साथ प्लेंटी ऑफ टाइटल्स जीतते आए हुए हैं क्रोएशिया के बाहर उसने अभी तक खेला नहीं है बट एवरी बडी नोज कि बान मुनिक को एक गोलकीपर चाहिए अब वुड दे गो फॉर नोबल वुड दे गो फॉर एनी बडी एल्स बिकॉज इलियन मिलियर की न्यूज़ आ रही है फ्रॉम लीड्स लीड्स से साइन करना चाहती है बान मुनिक मिलियर को वी स्टिल डोंट नो वॉट विल हैपन बिकॉज बान अपने मूव्स बड़े ही लोकी रख के करती है अब लिवाकोविच कुड बी दैट गाय जो कि इज रेडी फॉर अ बिग मनी मूव सबको पता है भाई क्रोएशिया ने ब्राजील को भाई बेहतरीन तरीके से हराया था वो पेनल्टी शूट आउट मैन अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल ही वॉज द गाय रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सच ग्रेट इन द एंटायरिटी ऑफ द टूर्नामेंट तो बंदे पास क्लास है क्वालिटी है अब क्या वो उनके लिए टैक्टिकली सूट करेगा वो तो हमें नहीं पता बिकॉज ऑब्वियसली उसका स्टाइल नहीं मैच करता बानवनी के स्टाइल से वो एक स्वीपर कीपर नहीं है बट स्टिल उसके पास शॉक स्टॉपिंग अबिलिटी तो है तो लेक्सी की वेर विल दिस गाय गो दूसरा बंदा मेरे पास मोहम्मद कुदूस का नाम मैं नाम लेना चाहूंगा यंग प्लेयर है काफी आई एक्स के लिए अभी स्टारलेट हैं अभी वो खेलना स्टार्ट किए हैं दिस सीजन इज द होल फर्स्ट सीजन ब्रेक थ्रू सीजन फॉर मोहम्मद कुडूस एट आई मुझे लगता तो नहीं कि वो विंटर में ट्रांसफर होगा मुझे लगता भी नहीं नेक्स्ट समर में भी ट्रांसफर होगा बंदे का उसको लोकी रह के खेलना चाहिए बट फॉर घाना खुदूस ने बहुत फार खेला भाई मतलब मुझे मजा आ गया, गया भाई खुदूस को देख के ऑब्वियसली मैं उसको पे फॉलो कर रहा था चैंपियंस लीग में के अगेंस्ट भी गोल मारा था उस बंदे ने बट द ग्रोथ ऑफ दिस गाय हैज बीन वेरी इमेंस तो मे बी नॉट दिस ईयर बट आगे आने वाले टाइम पे यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन खुदूस सेकंड बंदा ऑब्वियस है भाई, सबको पता है गैकपो ने हर एक ग्रुप स्टेज के गेम में गोल मारे ही इज दैट काइंड ऑफ गाय जिसको मैं हमेशा से एक लेफ्ट विंगर तरीके से देखता था बट जब मैं इसकी टैक्टिकल फ्लेक्सीबिलिटी देखा अंडर लुई लुवीन हाल आई वाज है बंदा सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा है बंदा स्ट्राइकर खेल रहा है ही इज प्लेइंग एज अ कैम और आई लाइक like, भाई बेहतरीन यार मतलब ग्रीजमान का रोल माइनस द डिफेंसिव वर्क एंड कोडी ब्रिलियंट मतलब बंदे ने तीन गोल स्कोर किए फीफा वर्ल्ड कप में पांच मैचेस में आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग गाइज फॉर नीदरलैंड एंड ही इज बाउंड फॉर अ बिग मनी मूव मूवअप यूनाइटेड पचास मिलियन यूरो से टीज कर रही है यहाँ पे पी को बट क्या पी एस वी पचास में सेल करेगी अभी विंटर में डाउटफुल है बट समर में आई एम डेफिनेटली श्योर बाई को लीव पी एस बिकॉज बंदे को रियलाइज है उसका पोटेंशियल नेक्स्ट एक और बंद है मार्कस थोरम ऑब्वियसली सबको पता है भाई फ्रांस uh, के लिए दिस गायड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉब बाबा इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है ठीक है मुंशन बैक पे समर में ही फ्री एजेंट तो दे आर लुकिंग टू कैश ऑन टू हिम समर अगर इसको तुम विंटर में सेल कर दोगे तो कुछ तो मिल जाएगा भाई थुराम का एंड ही इज अ वेरी गुड प्लेयर फार विंगर है एक्सप्लोसिव है बंदा कैन प्रेस इज वेल भाई विंग से हमने देखा कि वॉट डिड ही डू इन द गेम अगेंस्ट अर्जेंटीना तो अब थुराम को कौन साइन करेगा हु इज द टीम जिनको एक प्रॉपर विंगर या एक सेकेंड स्ट्राइकर की जरूरत है प्रोबली अगर जॉ फिलिक्स एथलेटिको मर्ड्रेट छोड़ के जाते हैं कहीं और बिकॉज जॉ फिलिक्स इज ऑल्सो अ गाय जो कि मुझे लगता है समर में एटलीस्ट तो छोड़ देगा विंटर का तो नहीं पता समर में आई पर्टिकुलरली शो दैट जॉ फिलिक्स विल लीव थूराम आर्ट एथलेटिक को मडरेट दीड अ रनर फिनिशियर बिकॉज खूनिया हैज लेफ्ट विल बी लीविंग फॉर वुलव्वर हैमटन तो दे नीड अ स्ट्राइकर कार्ड ऑफ अ पर्सन एंड आई थिंक थूराम वुड बे वेरी गुड फिट ओवर है तो अगर ये ऐसा होता है तो कम बैक टू टू यू फेड डी एंड थैंकस देखते है, होता है कि नहीं होता है नेक्स्ट बाय जूड बिल्डिंग एवरीबडी नोस की ये लास्ट साल है उसका डॉटमुट पे अब वो कहाँ जाएगा मड्रिड भी लगी हुई है पी एच जी भी लगी हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड सिटी भी अब तो लग गई है बाबा सिटी क्या बवाला स्कोट बिल्डिंग करेगा भे तुम साल एक सबको ले लोग हो तुम तो आप जूलियन अलवारेज है तो आप हाल है अब तुम जु...

टीम यंगर देन ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज बट ये तो मजाक है खिलाओगे कहाँ पर हकीम जीएस को तो पहले डील कर लो बिकॉज बंदा इस परफॉर्मेंस के बाद इट इज क्लियरली विजिबल इज अ बॉलर इज नॉट एबल टू गेट द चांस आट चेल्सी अब ग्राहपोर्टर्स क्या करेंगे विल ही प्ले हिम और नॉट क्रिश्चियन पुलिस या क्या बिकॉज दीज टू गाइस शोड की भाई दे स्टिल गॉट द क्लास इन दैम सो डेफिनेटली आई सी द मूविंग इफ नॉट द विंटर्स समर्स में तो ये दोनों बंदे जाने वाले हैं और एक और बंदा लास्टली माई ओपिनियन कॉन्जालो रेमोस पोर्चुगल का स्ट्राइकर जिसने हार्टिक मारा स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट आई थिंक ही इज अ फाइन फाइन प्लेयर बेनफिका पे आई नो की दर नूनियस थे पहले एंड देन देव फाउंड अ वेरी क्विक रिप्लेसमेंट गोन्जालो रामोस स्कोरिंग ग्रेट गोल्स फॉर देम एज वेल बट ही इज रेडी फॉर अ मूव मे बी नॉट इन द विंटर बट समर के बाद आई डोंट सी इम स्टेइंग प्रोबी अ प्रीमियर लीग मूव हो सकता है गोन्जालो रामोस के लिएपन बाई वैल्यू तो बंदे की बहुत ज्यादा है वन मिलियन यूरोज का उस पर बाईआउट कॉस लगा है सो लेट सी की वॉट कैन हैपन विथ दिम और इनके अलावा कौन से ऐसे प्लेस है जो आपको लगता है कि शुड बी आउट फॉर अ बिग मनी मूव मैंने किसी को मिस किया तो लेट बी नो इन दी कॉमेंट्स डाउन भी लो बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सिमिलर कांड ऑफ कंटेंट के लिए एल को ब्रेक करने के लिए कॉमेंट्स जरूर करेंगे हराम को मैं मिलता हूँ आप लोगों को वेरी वेरी सुन लिटल देन एज ऑलवेज पी ए आउट